नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे से YouTube चैनल पे जो बेस्ड है इन्फॉर्मेशन पे। यानी मैं यहाँ पे नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ, खास तौर से MLM को लेके। और आजकल मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ज़्यादा खबरें लेके जो है आ रहा हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि बहुत से लोग इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो आज जानना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल हो जाए। इससे पहले RBI ने इस पे रोक लगा दिया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया और ये कहा कि ये इलीगल नहीं है। यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेड कर सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये लीगल हो चुका है। इंडिया में खास तौर से इस टाइम पे ये क्रिप्टो करेंसी ना लीगल है ना ही इलीगल है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में, खास तौर से दिल्ली में एक कैफे ने क्रिप्टो करेंसी पर लेन देन जो है शुरू कर दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि यदि ये इतना बड़ा कैफे जो है क्रिप्टो करेंसी पर लेन देन शुरू कर रहा है, यानी कि जो हम पैसे देके कोई काम करवाते हैं, परंतु ये कैफे जो है क्रिप्टो करेंसी लेके आपका काम कर रहा है और उसी में आपके पेमेंट भी कर रहा है, प्लस अपनी पेमेंट भी ले रहे हैं। चलिए, क्या है पूरी खबर, दिल्ली का कैफे कहाँ पे है और इनके मालिक जो है, ये इनके दिमाग में कैसे आया कि क्रिप्टो करेंसी को लेके हम लेन देन जो है शुरू करें। तो ये वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसके देखा देखिए बहुत से ऐसे कैफे, बहुत से इंडस्ट्री जो है क्रिप्टो करेंसी पे लेन देन जो है शुरू कर सकते हैं, जिससे सरकार पर दबाव बनेगा कि इसको लीगल कर दिया जाए। यानी कि इस पर ऐसा कोई लॉ या कानून बनाया, सॉरी माफ कीजिएगा, इस पे कोई कानून या लॉ बना दिया जाए ताकि लोग बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के इस पे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो, क्या है माजरा। दिल्ली का डेविल स्टैटू और इन्होंने यहाँ पर एंट्री पर ही लिख कर रखा हुआ है वी एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी, और इसी इनकी जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे इनसे। लोकेश मेरे साथ है डेविल स्टैटू से। हेलो, कैसे हैं आप? तो मुझे बताइए कि आपने कब शुरू किया क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना टैटूज करने के बदले? एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू, मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था टैटू करते हुए स्टूडियो से। ओके। एंड अभी जब रिसेंट डिप आया था मार्केट पे, तो वन ऑफ माय क्लाइंट वाज देयर, वो क्लाइंट सुन रहे थे बातों को, तो बोल रहे थे आप क्रिप्टो करेंसी लेते हैं? लेते तो नहीं है, बट वी कैन थिंक अबाउट इट। एंड वो अपना इथेरियम या जो भी उनके पास क्रिप्टो करेंसी थी वो उसको निकालना चाहते थे। ओके। बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, ऊपर नीचे बहुत जल्दी होती है, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन दिस मार्केट। यू एक दिन ऊपर देख के अगले दिन नीचे देख के आप जल्दी सेल और परचेज नहीं कर सकते, यू हैव टू होल्ड और होडल। सो मैंने कहा हाँ ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ही पेड मी इन बिटकॉइन, उनको अराउंड 40,000-50,000 के आसपास पे करना था। कपल ऑफ टैटूज देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज गॉट, एंड सो आई टुक दैट इन माई वॉलेट, और वहीं से शुरुआत हो गई। और वहाँ से शुरुआत हो गई और उन्होंने मेरे को वो बेचा है 40,000-50,000 का, और अभी मार्केट विद इन 2 मंथ्स ऊपर आ गया है। तो उन्होंने जो मेरे को 40,000 दिए थे वो आज की डेट में एक्चुअली 90,000 थे। लवली। सो एक्चुअली ही पेड मी 90 इन और ही लॉस्ट 90। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट यू नो यू शुड नेवर सेल योर बिटकॉइन, ऑलवेज होल्ड इट। मतलब इन्होंने तो इतने ही अच्छी तरीके से होल्ड किया कि फिजिकली भी इन्होंने एक सुविनर जो है वो पिक किया हुआ है। ये इनका स्टूडियो है, इनके सर्विस स्टेशन बहुत सारे हैं यहाँ पे, आपको नजर आ ही रहे हैं। और आप बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा है ऑडियंस के साथ, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ, कि उनका अभी तक क्या कहना है, झिझक है थोड़ी या फिर? हाँ, मतलब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इज नॉट वेरी कॉमन, बट स्टूडियो में जो लोग आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर अवेयर ऑफ इट। और जब से हमने अनाउंस किया ऑफिशियली दैट वी विल बी एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, तो काफ़ी लोगों का इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और ईमेल्स पे वो भी आया कि कौन कौन से आप एज अ बिजनेस, आपकी कोई झिझक है मन में? नहीं, डेफिनेटली अगर कोई ऐसा झिझक या स्केप्टिसिज्म होता तो मैं करता नहीं है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन क्रिप्टो करेंसी। आप एक रिकॉर्ड देख लीजिए, लाइक एनीवन हु हैज हेल्ड अ बिटकॉइन, जिन्होंने अपने पास 200 डेज से ज़्यादा रखा है, आज तक वो लॉस में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कैश में पे कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में पे कर सकते हैं, कार्ड में पे कर सकते हैं, तो एक तरह से हर तरीके का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। और इनका नाम है डेविल स्टैटूज, दिल्ली में अगर आप आए तो आप इनसे सर्विसेज ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के।